अस्सलाम वालेकुम जी जनाब, मैं शुएब बाजवा मलेशिया के दिल कुआला लंपुर से। तो जनाब आज ईद उल अज़हा और हम आए जनाब मस्जिद जलंदूता, जिसे कि मस्जिद विलाया भी बोला जाता है। तो बड़ी खूबसूरत मस्जिद है, चलिए फिर अंदर नमाज पढ़ते और आपको भी दिखाते हैं। माशाल्लाह जी, बड़ी ही खूबसूरत और प्यारी मस्जिद है और मस्जिद विलाया के नाम से ये जानी जाती है। और जो तुर्की में आया सूफिया उस तर्ज पर इसको बनाया गया है। और अभी कुछ ही देर में यहाँ पे ईद की नमाज़ हो जाएगी और माशाल्लाह रेस्ट चेक करें यहाँ। माशाल्लाह जनाब तकबीरात जा रही हैं और नमाज होने में भी कुछ टाइम है। और चेक करें आपके तमाम मस्जिद जो है वो भर चुकी है माशाल्लाह। और औरतें भी यहाँ पे नमाज पढ़ती हैं मस्जिदों में आके। ये आप चेक करें, अल्लाहू अकबर अल्लाहू अकबर अल्लाहू अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह। जी दोस्तों, जनाब ईद की नमाज़ जो है वो अदा हो चुकी है और मेरे पीछे आप एक जमिया गफीर देख सकते हैं। माशाल्लाह से बहुत बड़ी मस्जिद है और यहाँ पे नमाजियों की एक बहुत बड़ी तादाद है जो कि नमाज़ पढ़ने के लिए आती है। तो जनाब नमाज अदा हो चुकी है और लोग जो हैं वो अब अपने घरों के नहीं निकल रहे हैं। और इस बड़ी ईद के मौके पर जनाब जो मेरा एक छोटा सा पैगाम है कि जो गोश्त है ना वो मुस्तहकीन तक पहुँचाए, ना कि आप खुद ही खा जाए। अगर आप खुद कुर्बानी करके और खुद ही खा जाते तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो जनाब जहाँ जहाँ मुसलमान आबाद हैं मौजूद हैं, शुएब बाजवा की तरफ से तमाम मुसलमानों को ईद मुबारक। क्योंकि अरब और इसके अलावा यूरोप में कल की हो चुकी है और पाकिस्तान और मलेशिया में जो है वो आज है। और जहाँ जहाँ भी ईद है जनाब शुएब बाजवा की तरफ से तमाम दोस्तों को जनाब ईद। दोस्तों तो ये जनाब मस्जिद का सहन है और आप चेक करें कि माशाल्लाह से कितना बड़ा सहन है और चारों तरफ आपको नमाजी ही नमाजी नज़र आएंगे। नमाज अदा हो चुकी है और लोग जनाब ईद मिल रहे हैं। और इसके अलावा जो है वो मस्जिद में आपको पता है सेल्फी वगैरह ली जा रही हैं। तो बड़ी खूबसूरत और माशाल्लाह प्यारी मस्जिद है। और यहाँ पे आपको जनाब हर किस्म के, हर रंगो नस्ल के और हर मुल्क के यहाँ पे आपको लोग मिलेंगे। जी दोस्तों, तो जनाब ईद की नमाज अदा हो चुकी है और घरों के लिए निकल चले हैं। और छोटा सा पैगाम है कि जनाब ईद का जो गोश्त है ना वो मुस्तहकीन तक पहुँचाएँ, ना कि जिन्होंने पहले कुर्बानी की हुई आप दोबारा उनको ही पहुँचा दें। तो जनाब अपने इर्द गिर्द लोगों का ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।